आप देख रहे एक न्यूज 24। बिहार की भागलपुर से सुल्तानगंज अगवानी पुल को गिरने को लेके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए वीडियो। और ये तीसरी बार जो है ये पहली बार जब गिरा था तो ये निर्णय हुआ था कि कोर्ट का मसला था, कोर्ट में ये मामला जाने के बाद ये तय हुआ कि जो कंपनी है वो खर्च पे ही पूरा योजना के लोग दोबारा बनाए भ्रमण में बराबर तीसरी बार ये गिरा है। ठीक है राजेश भाई, ठीक है का हर एक चीज़ जो है कमेटी बनी हुई है जांच के लिए। जब हम बने हुए सब कमेटी हम लोगों ने बनाया था और उस कमेटी के आधार पर जो रिपोर्ट आने थी उस हिसाब से एक्शन लेना था। अब देखना पड़ेगा कि उस कमेटी का क्या रिपोर्ट है, क्योंकि उसके बाद हमारी सत्ता चली गई, हम रहे नहीं। जो कमेटी का जो रिपोर्ट है जब तक वो देख नहीं लेते तब तक इस पर जो है कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन फिर भी आप देखिए, चाहे पुल हो पुलिया हो या मेगा पुल, लगातार नीतीश कुमार जी के राज में जल ये गिरता रहा है। एक आध मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। तो अगर जो भी दोषी है तो साफ तौर पर करता हूँ, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें वो रिपोर्ट जो है वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। पहली बार भी गिरा था तो एक रिपोर्ट बनी थी, दूसरी बार जब हमारे समय में मीटिंग भी हमने ली थी और ये निर्णय हुआ था कि तोड़वा काम करना ना भाई साहब, फिर से जो है इसका डिज़ाइन वगैरह का हम लोग करेंगे। तो ये कर रहे थे लेकिन कोर्ट में मामला चला गया था, लेकिन कोर्ट का जो निर्णय था वो सबसे अब ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं पुल जो है कब तक बनेगा। ये अब किसी को जो है विश्वास नहीं होता कि ये पुल बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो इसके जो भी डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर जो भी फॉल्ट है उस रिपोर्ट में आएगा। हम लोग भी जो है सरकार के अधीन मंत्री के पास, हो सकता है कि हम तो हट गए, हो सकता है रिपोर्ट आया होगा, लेकिन हमारे जहाँ तक जानकारी में हमको नहीं लगता कि जो मंत्री बने हैं वो अभी तक इस पुल को लेकर कोई समीक्षा बैठक भी की है कि नहीं। एक सवाल अगर की है तो इसकी जानकारी जो है वो बताना। एक सवाल है, 15 अगस्त को सीएम ने भाषण दिया, उस भाषण में भी 12 लाख पर्सनल अटैक लागू करने की बात की, ये जस्टिफाई है 12 लाख जॉब दे रहे हैं कोई भी हम उनके बारे में हम क्या ही बोलें कि हमारे अभिभावक लोगों को गाली देते ही उनको थोड़ी खुशी मिलती है तो वो खुशी आप लोग क्यों छीनते हो पकड़ से ले लेते हो। बोलने दो ना, कभी भी आज तक देश के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, इस अवसर पर जो भी मुख्यमंत्री रहे हों, गवर्नर रहे हों या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हों, इस तरह से निजी और पॉलिटिकल भाषण नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी वो बड़े हैं, हम तो छोटे हैं, क्या ही तो। जैसे कि आपने सुना कि उन तेजस्वी यादव का कहना है कि जब मैं सरकार में था तो दूसरी बार जो पुल गिरी थी तो कम्युनिटी बैठाई गई थी। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एक न्यूज 24 के साथ।